सावन का महीना चारों तरफ हरियाली और रिमझिम फुहारों के बीच लजीज खाने का मजा सबको अपनी ओर खींच ही लेता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमपी टूरिज्म ने बोट क्लब स्थित विंड एंड वेव्स होटल में 2 दिवसीय मानसून फूड फेस्टिवल का आयोजन किया, जिसमें बरसात के मौसम में मजा देने वाली लगभग 15 वैरायटी के स्पेशल डिश परोसी गई। विंड एंड वेव्स के लजीज खाने और सुंदर नजारे का हमारी संवाददाता सपना भाटी ने जायजा लिया है। हम भारतीयों की कमजोरी होती है खाना, और बारिश के मौसम में ये कमजोरी और भी बढ़ जाती है। इसी कमजोरी को देखते हुए द विंड एंड वेव्स रेस्टोरेंट में द मानसून फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इस मानसून फूड फेस्टिवल में चलिए देखते हैं अपन क्या क्या वैरायटीज है और क्या नया आपको यहाँ पे खाने को मिलेगा। आइए मेरे साथ। इस फूड फेस्टिवल की खासियत ये रही कि विंड एंड वेव्स रेस्तरा को मानसून की थीम पर सजाया गया। कहीं छाते लटकाए गए तो कहीं नाव रखी गई, जिससे टूरिस्ट ने मानसून का दुगना मजा लिया। आपको बता दें कि इस फूड फेस्टिवल में मात्र 499 रुपए में आपको जयपुरी प्याज की कचौरी, मिशल और कोंथीवीर बड़ी से लेकर मैसूर रसम जैसे लाजवाब खाने के आइटम्स मिले, जिसके बारे में विंड एंड वेव्स रेस्तरा के हेड शेफ देवेश आलूवालिया ने जानकारी दी। मैडम, इसमें कम से कम 15-16 वैरायटीज रखी हुई हैं, जैसे कचौरी रखी है, कोसंबरी बड़ी रखी है, रसम रखी है, भजिया रखे हैं, ऑनियंस के भजिया, और कई आइटम्स हैं। जैसे भुट्टा कॉर्न है, कॉर्न में हमने एक स्पेशल दिया है मिल्क में, उसको कुक करके मिल्क विद बटर, तो वो थोड़ा डिफरेंट दिया है हमने। और जो भुट्टा जो भून के खाते हैं वो चीज़ तो अलग है ही है, जो आम मार्केट में मिलता ही है, तो इसको हमने थोड़ा सा एक डिफरेंट करके दिया है, जिसको मिल्क में और बटर में कुक करके एक नए अंदाज में दिया है चीज के साथ। वहीं इस फूड फेस्टिवल के बारे में मैनेजर सीवी सिंह ने बताया कि इस मानसून फेस्टिवल का आयोजन लोगों के खाने की रुचि और सुंदर नजारों के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए किया गया है। हम चाहते हैं कि बरसात के रुमानी मौसम में लोग अपने घरों से निकलें और बारिश के मौसम के साथ साथ लाजवाब खाने का भी आनंद लें। मानसून फूड फेस्टिवल हमने पहली बार किया है जो लोगों को बहुत अच्छा लगा और अच्छा रिस्पांस आया है। अब हर साल इसका आयोजन किया जाएगा। मैम, हम लोगों ने ये शुरुआत किया है, एक लोगों का एक रुझान बढ़े इसमें, बरसात के टाइम में लोग अपने घरों से निकले और आ करके यहाँ पर मानसून फेस्टिवल का आनंद ले। इसमें हम लोगों ने शुरुआती दौर में कुछ मराठी डिशों का इसमें रखा है, और नाव बोट वगैरह, चक्कू बोट, इस टाइप की व्यवस्थाएं की गई है। सी तो छतरियाँ लगाए हैं चारों तरफ से, और इसको दिखाने लोगों को मानसून में इस तरह से आ करके भुट्टे की दुकान अलग से लगा है, अपना गरम जलेबी अलग से तल रहे हैं, वो अलग है, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। और एक हमारा ये है कि लोग बाहर निकले और मानसून का मजा लें, और बोट क्लब और विंड एंड वेव दोनों तरफ से आ करके हम लोगों को बताए कि नहीं, ये विंड एंड वेव का फूड कैसा है, बारे में हम लोगों ने रखा है। विंड एंड वेव्स रेस्तरा में आए खाने के शौकीनों ने भी फूड फेस्टिवल की जमकर तारीफ की, कहा कि एमपीटी ने जो नई शुरुआत की है वो बहुत अच्छी है। आपको बता दें कि इस मानसून फूड फेस्टिवल का शानदार आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म के जीएम बीडीएम आरिफ नकवी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें उनकी पूरी टीम मैनेजर सीबी सिंह, हेड शेफ देवेश आलूवालिया, धर्मेंद्र सोनी, कमलेश गांगले और ख्याति गुप्ता ने अपना योगदान दिया। बहुत इंजॉय किया हमने में, ये मानसून रिमझिम फूड फेस्टिवल में बहुत अच्छा फूड था, बहुत इंजॉय किया, गाने के साथ मजा आ गया, बहुत बहुत अच्छा था, इंजॉय किया, बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छी सेवा और बहुत अच्छी फोटोग्राफर, तो इससे बढ़कर हमको और कुछ मिल नहीं सकता था। स्कूल फ्रेंड्स है और आज यहाँ पे एंजॉय करने आए, तो मौसम ने भी साथ दे दिया, आपका फूड फेस्टिवल भी बहुत अच्छा। मैम देखिए, बहुत ही दिनों के बाद एक अच्छी सी बारिश हुई है, और निश्चित बारिश के बाद में हर व्यक्ति का ये सोचना था कि कुछ नया किया जाए, तो एमपीटी ने ये जो एक नई शुरुआत करके दी है 2 दिनों के लिए, सैटरडे और संडे, जिसमें हमको कुछ अलग अलग टेस्ट का, अलग अलग स्टेट का फ्लेवर एक ही जगह पे मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया है। और हम लोग पूरी फैमिली के साथ में, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, इनके दादा दादी, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और नो डाउट एमपीटी की ये एक अच्छी शुरुआत है। तो ये आपने देखा द मानसून फूड फेस्टिवल को। अगर आपको भी मानसून का सच में मज़ा लेना है तो एक बार द विंड एंड वेव्स होटल में ज़रूर आइएगा और मानसून का मज़ा लीजिएगा। सपना भाटी, कैमरा पर्सन सुनील व्यास, भोपाल।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।